बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं। कंप्लीट तरीका इस वीडियो में आज आपको सिखाएंगे। ये मेरे सामने कुछ डेटा है पाकिस्तानी प्लेयर्स का, जिन्होंने टी20 का करंट प्लेयर्स हैं उनका डेटा है कंप्लीट। इसमें हमने देखना है कि हर खिलाड़ी के सेपरेट रन मैच कितनी इनिंग खेली हैं, हाईएस्ट स्कोर क्या है, तो वो हमने इस पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। जैसे मेरे पास सामने जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसे मोहम्मद हफीज़ हैं, तो मोहम्मद हफीज़ ने 2006 से स्टार्ट किया, 221 तक खेल रहे हैं, वो टोटल मैचेस 106 हैं, नंबर ऑफ मैचेस भी इसमें आ रहे हैं और टोटल रन हाईएस्ट स्कोर कंप्लीट डिटेल आ रही है। ये देखें लास्ट में आप देख रहे हैं कि टोटल कितने सिक्सेस उन्होंने मारे हैं, और इसमें ये भी अपडेट दे रही है कि जीरो पे कितने आउट, कितनी दफ़ा आउट हुआ। मतलब कि सिर्फ हमने क्या किया है, एक चेंज, हमारी एक चेंज से क्या हुआ है, पूरा डेटा चेंज हो गया। जैसे सरफराज अहमद का आपके सामने आ गया डेटा कंप्लीट, सरफराज के क्या स्कोर रहे। इसी तरह मैं आपके सामने ये देख रहा हूँ, मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद हफीज़ हैं, कंप्लीट जितने भी करंट प्लेयर्स हैं तमाम प्लेयर्स का डेटा हमारे सामने आ गया। ये कैसे डेटा आया, सिंपल तरीका है, कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखेंगे ये कैसे होता है। ये तमाम तरीका हमारे पास एक वी लुकअप का फार्मूला है, वी लुकअप के फार्मूले से ये डेटा सब सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डेटा सिर्फ ये एग्जाम्पल है, इससे और तरीके से डेटा भी वगैरह इससे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा। जी दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेयर्स नेम। प्लेयर नेम में हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो क्या करते हैं, इनको सबको हम या तो नाम लिख सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे ये एक कॉलम बनाए, एक कॉलम में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनकी लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाने का आपको तरीका बता दूँ, ये सामने आपके डेटा आ रहा है, मैं लिस्ट बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। जूम कर दिया है थोड़ा सा डेटा। लिस्ट बनाने के लिए डेटा में जाएंगे, डेटा जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन में आ रहा है डेटा वैलिडेशन, इसमें आप लिस्ट का फॉर्मूला जाएंगे। लिस्ट में आपने क्या लगाना है, या तो आप जाएं शीट वन पे, ये सिलेक्ट कर लें कंप्लीट कॉलम, या फिर आप यहाँ लिख दें डेटा। डेटा कैसे लिख दिया, ये मैंने सॉरी यहाँ पे प्लेयर नेम, प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स, ये तमाम प्लेयर्स आ गए। कौन से प्लेयर्स हैं मैं आपको दोबारा सिखा देता हूँ कैसे वैलिडेशन का डेटा लगाना है। यहाँ पे गए प्लेयर्स के बजाय आपने क्या करना है, सोर्स सिलेक्ट करनी है। यहाँ से शीट वन के तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं सबको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट बन के जाएगी, ये तमाम प्लेयर्स के नाम आ जाएंगे जो जो हैं उस लिस्ट से, ये नाम आ जाएंगे। अच्छा, अब हमने इस पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। वी लुकअप का कैसे लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप वो कह रहा है कि टेबल वैल्यू। अब वो टेबल वैल्यू मतलब ऐसा टेबल जहाँ से वो वैल्यू उठाए, मतलब जहाँ हमारी चेंजिंग करने से वो चीज़ चेंज हो जाए। हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट करने से ये फ़ायदा होता है कि याद रहता है कि यहाँ चेंजिंग करने से, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। देन वो कह रहा है कि कॉमा, कॉमा के बाद कहता है टेबल एरे। टेबल एरे क्या कर सकते हैं आप, या शीट वन पे जैसे क्या ये कम्प्लीट टेबल है, ये कम्प्लीट टेबल आपके साथ शो हो रहा है, या तो ये लगा सकते हैं। एक और तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका, वो शॉर्टकट तरीका ये है कि मैंने पूरे टेबल को नाम दिया हुआ है डेटा के नाम से। ये देखिए मेरे पास सामने भी शो हो रहा है कि डेटा के नाम से मैंने पूरा टेबल को बता दिया है कि ये पूरा डेटा है। अब वो कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इस कॉलम में से पूरा डेटा में से कौन सा हम उठाना चाह रहे हैं, हम पहले चाह रहे हैं कि स्पैन, मतलब कब से कब तक वो खेले हैं, तो मतलब नंबर, कॉलम नंबर टू ये सिलेक्ट किया, ये कॉलम नंबर वन है, ये कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर टू सिलेक्ट किया, देन फॉल्स कर दिए या टू कर दें, ये इंटर किया, देखिए मैं आपके सामने दोबारा लगा रहा हूँ। शीट वन में गए, डेटा कर दें इसको डेटा, देन टू, देन फॉल्स,
देखें बाबर आजम आ गया, तो डेटा में से कॉलम टू उठाए, देन फॉल्स, अब एयर आ गया। कौन से एयर में? बाबर आजम ने स्टार्ट किया था। बाबर आजम ने 2016 से 21 तक, फ़खर जमान का 2017 से, मतलब एक चेंज करने से इफ्तिखार अहमद का 16 से आ रहा है। क्यों, कहाँ से आ रहा है ये देखें, ये हमारे शो हो रहा है 16 से, 19 से, अहमद शहजाद का, सबका ये शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि सेम इसी तरह नेक्स्ट में भी लगा दें, तो इसमें कैसे लगाना है? वी लुक अप, देन दिस वन, देन टेबल एरे। टेबल एरे कौन सा है? ये यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट हो रहा है और कंप्लीट टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। देन वो कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स अब हमने कौन सा लगाना है? मैच, टोटल मैच कितने के लिए? टोटल मैच में ये हमारे पास आ रहा है नंबर 3, देन फॉल्स। ये जो मैच नहीं कर रहा तो उसके सामने फॉल्स आ जाए। टोटल मैच कितने खेले हैं इफ्तिखार ने? मोहम्मद आमिर ने 50 मैच खेले हैं। सेम इसी तरह मोहम्मद रिजवान ने 36 मैच खेले हैं। मतलब हर चीज चेंज करने से उसका डेटा आ रहा है। अब नेक्स्ट में इनिंग में कैसे लगाएंगे? इनिंग्स का भी वही फॉर्मेट है, तो इसका एक और तरीका मैं आपको बता दूँ कि आपने इस वाले कॉलम को शॉर्टकट मेथड में, आपको बता रहा हूँ, इस वाले कॉलम में आपने ये नंबर 3 जो है चेंज ना होने से इसे हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। इसको हमने फिक्स कर दिया, देन इसे भी फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने से इसकी ये नंबर 2 है, इसको हम कर देंगे 3, डेटा 3 से उठा दें। इसको फिक्स किया, फिक्स करने के बाद डेटा जो उठाए वो 4 से उठाए। फिक्स करने से ये होगा कि ये चेंज नहीं होगा, फिक्स करने से ये चेंज नहीं होगा और ये चेंज हो जाएगा। अब नंबर ऑफ नॉट आउट्स, नंबर ऑफ नॉट आउट भी 28 आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे इस दफ़ा ये डेटा कहाँ से उठाए? नंबर 5 से उठाए। नंबर 5 पे क्या आ रहा है हमारे पास? शीट 1 में जाएंगे तो देखेंगे नंबर 5 में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ नॉट आउट कितने हैं? 5, वो 5 पे है। इसी तरह टोटल रन्स कितने आ रहे हैं? वो 6 पे आ रहे हैं, तो 6 पे चले गए। टोटल रन्स मोहम्मद रिजवान ने कितने बनाए? 843। इसी तरह हम शाहीन शहीद अफरीदी ने 17। कंप्लीट डेटा आ रहा है, जैसे अहमद शहजाद रन्स कितने हैं, ये स्कोर्स आपके सामने आ रहे हैं। हाई स्कोर कैसे आएंगे, इसका कैसे पता चलेगा? ये इज इक्वल टू 6, 7, अब 7 कर देंगे इसको, अब इस पे 8 कर देंगे, इस पे 9 कर देंगे, नेक्स्ट पे 10 कर देंगे। मतलब जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, नंबर 10 पे क्या है? स्ट्राइक रेट, नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। नंबर 10 पे हमारे पास क्या आ रहा है? स्ट्राइक रेट, तमाम कम प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट आ रहा है। तो ये डेटा क्या शो कर रहा है कि नंबर 10 पे क्या है? तमाम प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट। तो वी लुकअप का बहुत आसान तरीका है, हम आपको सिखा रहे हैं। अब 11 नंबर पे क्या करेंगे? टोटल सेंचुरीज आ रही हैं। 12 पे नंबर ऑफ 50s, 13 पे नंबर ऑफ नॉट आउट, नंबर ऑफ नॉट आउट कब है? 13 पे। टोटल इनिंग में फोर्स कितने मारे हैं, चौके कितने मारे हैं, वो भी कंप्लीट इसकी डिटेल आ गई है। ये देखें वी लुकअप कैसे लगाना है, मैं इसमें लास्ट में एक दफ़ा फिर लगा देता हूँ सिखाने के लिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा टेबल उठाएं जहाँ से आपको डेटा चाहिए, देन आपने कौन सा डेटा चाहिए? ये डेटा चाहिए, इसमें से वो कंप्लीट डेटा है हमारा, इसमें से वो कॉलम इंडेक्स उठा लेगा। अब ये हमारे पास कंप्लीट डेटा शो हो गया। देन वो कह रहा है कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स आप कौन सा कॉलम चाहते हैं? ये, अब ये नंबर कौन सा है? ये आएगा यहाँ से, काउंट कर लें,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 और लास्ट है 15, 15 देन वो कह रहा है फॉल्स, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो वो नंबर ऑफ सिक्सेस, जितने छक्के लगाए हैं वो कंप्लीट इसमें आ गए हैं। ये देखें मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, एक प्लेयर का आसिफ अली की तमाम डिटेल आ रही है, कितने छक्के मारे, कब से उसने कब ज्वाइन किया, 2018 से 2021। ये देखें अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद हफीज़, दानिश अजीज़, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, तमाम प्लेयर्स का डेटा हमारे सामने आ गया, बहुत ही आसान है। इसी तरह ये डेटा तो एक एग्जांपल है, आप और भी तरीके से बहुत सारा डेटा आप वी लुकअप फार्मूले से लगा के सॉल्ट अप कर सकते हैं। जी दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी एडवांस एक्सेल के हवाले से सिखाते रहेंगे।